अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे स्टूडेंट्स? आप देख रहे हैं आई एम जीएफएक्स स्टूडेंट। आज आपके लेके आए हैं मूव टूल की क्लास, उसका थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे यूज़ करना है, और जो भी रिसेंटली चल रहे हैं फोटोशॉप के वर्जन जो 2019 से पहले, उसमें क्या फ़र्क है थोड़ा सा बताऊंगा जितना मुझे पता है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्लास अच्छी लगी होगी। ये मेरे पास जो है फ़ोटोशॉप का वर्जन 2022 है, तो जो मैं टूल यूज़ करूँगा तो साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कि जो 2019 से पहले वाले और 2019 के बाद में 2019 के बाद में जो आए हैं वर्जन, उसमें क्या चेंजिंग्स हैं, जितने मुझे पता है उतनी बताऊँगा आप लोगों को। चलिए ये पहले इसको डिलीट कर लेते हैं जो शेप्स हमने बनाई थी, और बताते चलो ये जो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ कोई भी चीज़, जो साथ साथ आ रहा है नीचे लेफ्ट, ये ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, उसमें जो मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा या जो भी क्लिक करूँगा, तो वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा क्या मैं की दबा रहा हूँ क्या नहीं। साथ साथ बताता भी जाऊँगा और साथ साथ आपको दिखती जाएगी ये कौन सी की है, ये लेफ्ट राइट क्लिक किया है माउस का, ये लेफ्ट के, ये देखिए नीचे मेरा नेम भी आ रहा है, जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए वो उसका नाम भी आ रहा है नीचे, क्यूआई प्रेस नाम है, और आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है मूव टूल के बारे में, तो मूव टूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें फोटोशॉप ऑटोमेटिकली, ये 2022 है मेरे पास, 2022 फोटोशॉप, ये इसके ऊपर मैं मूव या किसी भी टूल के ऊपर लेके जाता हूँ तो उसका यूजेस बता देता है आपको, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस यूज़ के लिए काम आता है। ये देखिए मूव के लिए काम आता है, मूव टूल लिखा, मूव एज ए लेयर, आगे जाकर लेयर्स और सारे टूल्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, अभी फ़िलहाल इसको यूज़ करते हैं। पहले यहाँ से शेप टूल में जाते हैं, रेक्टेंगुलर टूल इसका है, शेप है रेक्टेंगुलर, इसको कर लेते हैं, ये शिफ्ट से शिफ्ट दबाएंगे तो इसका जो साइज़ है वो इक्वल रहेगा, अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे ये ऐसे 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 चला जाएगा। शिफ्ट दबा के हम बनाते हैं ये टूल, यहाँ से ये ग्रेडियंट सेलेक्ट है इसको डिसलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लेते हैं हम, ये कलर यूज़ कर लिया हमने, ये कलर चूज़ कर लिया। कलर चूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको, यहाँ से पहले ये ऑटो सेलेक्ट है इसको अनसेलेक्ट करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आपने इधर आ जाना है, कोई भी हम शेप इधर ओपन करेंगे, कोई भी ऐसे शेप ओपन करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो ये लेयर्स, हमारे सारा काम ही लेयर्स का है इस पर, और लेयर्स हम करेंगे इधर यूज, जो भी हम इसको कॉपी करके ये ऑन कर लेते हैं, इसको बाद में बताता हूँ आप लोगों को। शो ट्रांसलेटर कंट्रोलर मूव टूल है, किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिक्चर है, इधर है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इधर सेलेक्ट करते हैं तो इधर लेयर जो है ना, ये वाली सारा काम इधर लेयर्स का है, जो लेयर है उस पर ऑटोमेटिक क्लिक आ जाएगा, जैसे ही ऑटो सेलेक्ट को डिसलेक्ट करता हूँ मैं, और ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ, एक और लेयर ओपन कर लेते हैं, ये दो हो गए, जो सेलेक्ट मैंने इधर जाके करूँगा ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ, जो ये लेयर है लेयर वन रेक्टेंगुलर, वन रेक्टेंगुलर कॉपी है, जो ये कॉपी है इसको इधर से सेलेक्ट करूँगा, फिर ये सेलेक्ट होगी ये वाली फर्स्ट वाली, इधर से क्लिक नहीं होगी, वही होगी क्लिक जो हमने लेयर में जाके सेलेक्ट की हुई थी। जैसे ही मैं ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन करता हूँ, ये भी सेलेक्ट हो रही है और ये भी सेलेक्ट हो रही है, मतलब कि जिस सब्जेक्ट को मैं ऊपर जाके सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो रहा है, अगर इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के बाद जो हम लेयर्स पे जाके सेलेक्ट होंगे मैनुअली,
वही सिलेक्ट होगी। ऑटो सिलेक्ट का मतलब है जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमने क्लिक किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और इधर लेयर भी वही सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आगे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इस पर क्लिक करते हैं। ये जो बॉर्डर आ गए हैं इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है, हम शिफ्ट दबा के इसको ऐसे इक्वली साइज अप हो जाता है और डाउन हो जाता है इसका। अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे और ऐसे छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर शिफ्ट दबाएंगे तो फिर ऐसा जैसा है ये वैसे ही बड़ा होता जाएगा। ये मूव टूल है। दूसरी बात, ये 2022 में यूज़ कर रहा हूँ, इससे इसके जो कॉर्नर्स हैं ये देखें, जूम करेंगे ऑल्ट दबा के, साथ नीचे आ रहा है, ऑल्ट दबा के मैं व्हील व्हील को ऊपर कर रहा हूँ माउस के, तो ये जूम आउट हो रहा है। जूम इन करना, जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है। इससे अभी ये मूव टूल है, पहले फोटोशॉप में ये नहीं था, 2022 से पहले ये नहीं थे, अभी फोटोशॉप में ये आ गया ऑप्शन। कोई भी हम शेप, कॉर्नर वाली शेप जो होती है, रेक्टेंगुलर शेप ऑन करेंगे तो इससे ये होगा कि हम इसको कॉर्नर को अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना डिज़ाइन कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। आगे जाकर और भी क्लासेस होंगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और आप लोगों का साथ चाहिए क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब चैनल, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ और क्लासेस की आगे मूव टूल के ऊपर और भी क्लास, पार्ट वन है ये और पार्ट टू मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आज के लिए इतना ही।